दिया हुआ है कि सम चतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखिए कुछ नहीं, ये सम चतुर्भुज है ना, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, और दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करता है, ठीक है। तो एक विकर्ण 10 है मैंने ई 5 है तो ई 5 है, आ एक भुजा कितना है 13 है। अब देखिए ई तो समकोण होता है, नहीं समकोण त्रिभुज समकोण होता है ना, तो क्या होगा 5 13 तो ई कितना होगा 12, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है तो ये 12 तो ई भी 12, 12 12 24 यानी दूसरे विकर्ण की जो लंबाई होगी 24 सेंटीमीटर होगी, ओके।